देखो मैं कल भी कहा सीगा, कल टीवी वाले मेरे को चंडीगढ़ आए थे, कल भी मैं उन्होंने गल की थी कि भी उन्होंने इनक्वायरी उन्होंने बैठ के गल मुकानी चाहिए है ताकि लोग भी तंग ना होन तो उन्होंने जायज गल जी मन ली नहीं चाहिए है। तो इस करके उन्होंने बैठ के गल हो अगर उन्हें जेनुअन तरीके गल करी है सीएम ने कि मेरे न बैठ के गल कर चंगी गल है उसकी गल होनी चाहिए है। लेकिन सर लगातार ये बार बार जो है धरने की बात करते हैं, क्या अगर कोई भी किसानों की मांग है उस पर सरकार से बातचीत करनी चाहिए? अब बिल्कुल करनी चाहिए है, गलबात करने वाली गल मुकदी होंगी है क्योंकि लोग तंग पड़ते हैं जो सड़क रोक लेंगे ट्रेन रोक लेंगे फिर लोग जनता तंग होंगी है। इस करके मेरी अपील है किसानों भी कि तुम बैठ के इन्होंने सरकार ना मुकाओ, जो नहीं मुकती फिर इस सिचुएशन पर आओ, पहला उन्होंने गल करके मुकानी चाहिए। पराली एक सबसे बड़ा मुद्दा है, कैसे देख रहे हो आप? लगातार कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। देखो गल है कि गल उन्होंने भी ठीक है, जो छोटा किसान है वह मशीनी नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मजबूरी भी है तो सरकार को चाहिए भी उन्होंने मुहैया करावे मशीनरी मुहैया करावे, उन्होंने कहो भी फिर कोई करे फिर तो उन्होंने नजायज हो सकता। क्या लगता है कि 9 राज्यों को राज्य कोर्ट में बुलाया गया था और 9 राज्यों को कहा गया है कि सरकार आखिर कर क्या रही है कि इसमें खाली पंजाब नहीं हरियाणा उत्तर प्रदेश सारे लोग जो है वहां पर पराली जला रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल ठीक गल है थोड़ी कि लोगों को बहुत तंगी आ रही है हुण दिल्ली का जो हालात देखे जा रहे सुप्रीम कोर्ट भी की कहे होर सुप्रीम कोर्ट का भी ये बनती है सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह किसानों समझावे या उन्होंने मुहैया करावे तो वो ताकि लोगों तंगी ना आवे। वहीं सर जिस तरीके से करतारपुर का मुद्दा आजकल छाया हुआ है, लोग निगेटिव भी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप? क्या उसके पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? मैं कल भी टीवी से कहा सीगा कि वो इंक्वायरी होनी चाहिए है और इंक्वायरी होकर जाकर वो साबित होंगे क्योंकि पहले तो लगता ही सी उन्होंने हो ही होना है, असं तो कहते सज़ा होनी चाहिए उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है, लेकिन अज जो कल स्पीकर गया MLA लेके उन्हें कह भी मैं हड ग्रंथी ने कह भी 1 किलोमीटर दूर थी वो भी इंक्वायरी होकर फिर फायदा पता लगेगा क्योंकि किसी के कहने नाल कल्ले नाल नहीं होंदा जिन्ना चिर इंक्वायरी ना हो इंक्वायरी होके क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मसला है बहुत धार्मिक मसला है इसनों सीरियसली लेना चाहिए।